नाम सा कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है जायका विद रजनी में। तो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस पित्तौड़ की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और कभी आपके घर पे सब्जी ना हो तो आप इसे बना सकते हैं और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ सूखी पित्तौड़ की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आधा कप बेसन लेंगे और इसे अच्छी तरह से छलनी से छान लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच जीरा पाउडर, और हम अजवाइन लेंगे 1/4 टेबल स्पून और उसे अच्छी तरह से हाथ से मसल कर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। तो साथ ही साथ हम इसके डाल देंगे नमक। नमक मैंने आधी चम्मच डाली, आप अपने स्वाद अनुसार नमक घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और फिर हम उसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो भी हमने आई वो डाले हैं सॉरी स्पाइसेस डाले वो सब बेसन में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम एक कटोरी इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो हम एक साथ पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना पड़े। तो जैसे मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, इससे आपका जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है। क्या आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। कभी भी एक साथ पानी डालना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखना अगर अच्छा पाटोड़ा बनाना है कि हमेशा एक साथ पानी डालें। धीरे धीरे करके पाटोड़ा बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा पाटोड़ा। तो हमें इसमें बिल्कुल भी लम्ब बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे मैं लगातार इसे कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी लम्ब्स ना पड़े। तो मैंने इसके अंदर पूरा जो भी है एक कटोरी पूरा डाल दिया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, जैसा मैं डाल रही हूँ इस तरह से ही डालिए, एक साथ मत डालिए। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने 1/4 टेबल जो 1/4 कप है वो मैंने इसके अंदर और पानी डाल दिया है। आप चाहें तो आप आधी कप पानी भी डाल सकते हैं, पर इसके अंदर मेरा जो बेसन है उसके अंदर मुझे मतलब एक कप और 1/4 कप और पानी चाहिए था। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है ताकि ये सारा जो घोल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई भी लम्ब ना पड़े। तो हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और नॉनस्टिक कढ़ाई से हमेशा क्या होता है ये चिपकता नहीं है, इसलिए तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना पित्तौड़ की सब्जी बनाए तो हमेशा नॉनस्टिक कढ़ाई लेना। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई है, एक को धीरे धीरे पानी डालना है और दूसरी चीज़ है इसके अंदर और कि हमको नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाना है ताकि जब ये जब पक जाए तो ये नीचे लगे नहीं। उसके बाद हम धीरे 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 इसको चलाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, इसको छोड़ा नहीं है मैंने, क्योंकि आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्ब्स पड़ सकते हैं। तो मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है और इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि इसका जो फ्लो है वो नीचे से ना बहे। जैसे अभी तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा गीला है, तो मैं इसे तब तक इसे घोटूंगी जब तक कि मैं इसको उठा करके देखूंगी कि ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे एक थाली ले लूँगी और थाली के अंदर हल्का सा मैंने ऑयल या आप घी ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो पाठोड़ा बनाया है उसका जो पेस्ट है वो इसके ऊपर डाल देंगे। और ये बिल्कुल गरम गरम है तो हाथ तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसे या तो चम्मच के या पलटे की सहायता से या फिर आप अपने हाथ में पॉलिथीन लगा करके और हल्का सा ऑयल लगा लीजिए हाथों पे और फिर इसे अपने हाथों से प्रेस करिए। और इसको आप चाहे तो मोटा बना सकते हैं या पतला, पर मुझे ये पतला ही अच्छा लगता है। तो आप पतला बनाना चाहें तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैंने देखो गरम गरम था तो मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से पन्नी डाल करके कर दिया कि बहुत ही गर्म था, हाथ तो लगा नहीं सकते थे। तो मैंने इस तरह से इसको प्रेस करके अच्छी तरह पूरी थाली में फैला दिया है। तो आप चाहें तो इसे मोटा भी बना सकते हैं। उसके बाद हम 10 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट बाद मैंने इसे कटिंग करी है। आप चाहे किसी भी आकार में, चाहे आप डायमंड शेप में कर दीजिए, चाहे आप स्क्वायर शेप में, कोई भी शेप आपका जो मन करे वो शेप में काट लीजिए। तो इस तरह से मैंने पतली पतली इसकी कतलियाँ काटी है और कतलियाँ काट करके जैसे आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में काटा है। आप चाहे तो इसे आप डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से काट करके और मैंने काट लिया। अब आप देखिए कि कितनी अच्छी तरह से निकला है। तो हम इस तरह से बना लेंगे। तो आप ऐसे सारी जो बनाई है वो सब इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और साथ ही साथ इसमें डालेंगे राई। राई जैसे ही चटकने लगे हम डालेंगे
जीरा और साथ ही मैंने इसके अंदर डाली है हींग। और जैसे ये होने लगे इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दो ग्रीन चिल्लीज। तो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है और बारीक काटने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि ये पक ना जाए, और इसे पकने देंगे। और आप देख रहे होंगे मैंने साथ में इसमें रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ में सूखा धनिया डाल दिया है और फिर नमक डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि जो सारा ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए, और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी सावन चल रहे हैं तो मैंने प्याज इंक्लूड नहीं किए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो हमने कतलियाँ बनाई थी, वो सारी कतलियाँ इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला इसमें चढ़ जाए। तो गाइस आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।